बिफोर गोइंग फर्दर इन द वीडियो, एज यू ऑल आर आस्किंग कि हम ऑनलाइन टेस्ट तो दे देते हैं बट हमारी वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती नीट की, जो कि एक एग्जाम वाले दिन होती है, जैसे सेंटर पे जाना, वहाँ वेट करना, ऑफलाइन एग्जाम देना, OMR फिल करना एंड वो जो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है ना उसे फील करना, बिकॉज अपने घर पे बैठ के एग्जाम देने एंड एग्जाम के सेंटर पे जाके एग्जाम देने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसीलिए नीट प्रेप अब ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी लेके आया है, जिसमें वो आप ही की सिटी में आपको ऑफलाइन टेस्ट अवेलेबल करवाएंगे, और वो भी एक दो नहीं पूरे 23 फुल लेंथ टेस्ट। एंड दिस टेस्ट सीरीज विल बी बेस्ड ऑन स्ट्रिक्टली NCERT एंड इसका जो पैटर्न है ना वो न्यूली अपडेटेड पैटर्न रहेगा एंड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। एंड आफ्टर द टेस्ट आपको उस टेस्ट के आंसर के साथ साथ वीडियो और ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। एंड नॉट ओनली दिस, टोटल 10,000 रिवॉर्ड्स विल बी गिवन टू द टॉप 50 स्टूडेंट्स इन ईच टेस्ट। इसी के साथ इस टेस्ट में आपको ऑनलाइन बैच इंक्लूडेड मिलेगा, यानी टारगेट बैच, शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियो लेक्चर, बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रोडेजी, ये सब इंक्लूडेड मिलेगा। एंड इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस बैच एंड सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 1 इन नीट फाइनल एग्जाम, देन यू कैन विन कैश प्राइज ऑफ 50 लाख रुपीज। OMG, तो फिर देर किस बात की है, हमें बस जम के मेहनत करनी है और अपने लाइफ का बेस्ट एग्जाम देना है। ये टेस्ट सीरीज 10 दिसंबर से स्टार्ट है एंड हर वीक में एक टेस्ट होगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड जो भी टेस्ट होगा ना उसका पूरा सिलेबस ना आपको पहले से गिवन रहेगा। बाकी ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज किस किस सिटी में अवेलेबल है ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा। एंड इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का जो लिंक है ना वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से क्लिक करके इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट से चेक description box right now। चैप्टर जो है ये तो कंप्लीट हो चुका है, अभी मुझे जो मेरा नेक्स्ट टास्क है डे का वो करना है। इसमें मुझे जो सबसे हार्ड पोर्शन लगता है ना वो है, एक तो कार्डियक साइकिल है, दूसरा मुझे डबल सर्कुलेशन, ये दोनों ना थोड़े कम समझ आते हैं। इसके ECG के लिए ना इस तरीके से ये शॉर्ट नोट बनाया था जिसमें ईजिली समझ आ जाता है, लाइक बुक में आप जब ये रीड करते हो तो इतना क्लियरली वो चीज़ समझ नहीं आती है, बट ऐसे क्विक रीजन के लिए ना ये वाला बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लाइक इफ़ यू कैन सी कि काफ़ी अच्छे से मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया, लाइक डायरेक्टली कि पी के क्या मतलब है, QRS का एंड T का। ये जो शॉर्ट नोट है आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आपका स्क्रीन पे अगर ये यस अभी सही है ना, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट ये काफ़ी मैंने अच्छे से इसमें ना एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज NCERT में जब भी पैराग्राफ में दिया होता है तो बहुत मुश्किल होता है समझ पाना, बट इस तरीके से काफ़ी ईजिली समझ आ जाता है कि जब भी आप उसको ऐसा टेबल वाइज बना लो तो।